फटाफट से आशीष जी, मैं आपसे कुछ स्टॉक्स पूछूंगा, उस पर आपके कमेंट्स। असाही सॉन्गवॉन कैसा लग रहा है आपको? ये जो स्टॉक है इसने एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश की है, तो मैं मानता हूं कि ये जो बुलिश मोमेंटम है जारी रहेगा। इस स्टॉक के लिए पहला जो रेजिस्टेंस यहां पे देख रहा है, अगला रेजिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है वो है 191 का। इसके ऊपर अगर हम ये स्टॉक को जाते हुए देखते हैं तो स्काई इज द लिमिट। तो मेरे ख्याल से ये जो स्टॉक जिनके पास है वो होल्ड करें, नई खरीदारी करनी है तो 191 के ऊपर खरीदारी की जा सकती है। उस ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस जो मैं रिकमेंड करूंगा 184 का करूंगा। राइट, दूसरा स्टॉक होगा पीपीएपी ऑटोमोटिव। पीपीएपी ऑटोमोटिव आपको कैसे लग रहा है जिस तरीके से आज चला, निचले स्तर से खरीदारी साफ तौर पर रिफ्लेक्ट हो रही है इस बाजार में? रजत जी आप एक बार वापस दोहराएंगे स्टॉक का नाम? राइट सर, पीपीएपी ऑटोमोटिव। अगर आप ट्रैक करते हैं स्टॉक को तो 152 का स्टॉक है और फिलहाल 10% के स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ दिन के उच्चतम स्तर के बेहद करीब कामकाज कर रहे हैं। आपके कमेंट्स अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर इसका आइडेंटिफाई कर पाए तो? बेसिकली अगर इस स्टॉक को अगर हम देखते हैं तो इसमें जनरली जो वॉल्यूम है वो बहुत कम होता है, लेकिन जिस तरह से आज हम इस स्टॉक में वॉल्यूम देख रहे हैं तो मैं मानता हूं कि ये जो मोमेंटम है ये जारी रहेगा और ये जारी रहेगा करीबन 165 के लेवल पे। लेकिन जिनके पास है वो होल्ड करें, नई खरीदारी करने की सलाह मैं चार्ट यहां पे मुझे अलाउ नहीं कर रहा है। राइट, एक और स्टॉक जो चढ़ रहा है आज वो है स्पेशलिटी रेस्ट्रॉ। आप अगर ट्रैक करते हो तो जिस तरीके का आज मोमेंटम देखने को मिला और दिन के उच्चतम स्तर के बेहद करीब कामकाज कर रहे हैं स्पेशलिटी रेस्ट्रॉ के, यहां से भी और चल सकता है, इसको एक्यूमुलेट कर लें आज। स्पेशलिटी इंफ्रा स्पेशलिटी रेस्टोरेंट का अगर हम चार्ट यहाँ पे देखते हैं तो ये जो स्टॉक है ये करीबन एक अच्छे कंसोलिडेशन के जोन में ही ट्रेड कर रहा था और इस स्टॉक को आज ब्रेकआउट मिलने की संभावना है, क्योंकि ये स्टॉक अभी 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और मैं मानता हूं कि इसको 101 रुपए 50 पैसे का रेजिस्टेंस है। तो अगर हम इस स्टॉक को 101 रुपए 50 पैसे के ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आए देखते हैं तो यहाँ पे एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और ये स्टॉक करीबन 111 तक जाने की संभावना है। कोहिनूर फूड एक और स्टॉक जो आज तगड़े मोमेंटम में नजर आ रहा है और इनफैक्ट अब ये नए लेवल्स पे पहुंच गए 2016 के, क्या करना चाहिए स्टॉक में से जिनके पास पोजीशन और क्या पोजीशन और ऐड कर लें? हाँ, इस स्टॉक को मैं मानता हूं कि इसने एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन को ब्रेकआउट दिया है और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ दिया है, तो जिनके पास ये स्टॉक है वो डेफिनेटली होल्ड करें और अगर पोजीशन बनानी है तो अभी भी बनाई जा सकती है, क्योंकि इस स्टॉक का जो लक्ष्य चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो है करीबन 94 रुपीज का। तो मैं मानता हूं कि जिनके पास है वो होल्ड करें और जिनके पास नहीं है वो करंट मार्केट प्राइस से 3% नीचे का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें।